इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन आप अपनी डर के ऊपर जीत हासिल करना होगा। इसी तरीके से विलियम डगलस डीप वाटर कहानी में हमें किस तरीके से उसने अपनी डर और इनसिक्योरिटी के ऊपर जीत पाया। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी द डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। बट बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। In Deep Water, William Douglas explores the theme of fear and insecurity and how it affects one's behavior. Deep Water कहानी में William Douglas हमें बताता है कि fear और insecurity theme को लेकर, fear और insecure होने पर एक इंसान कैसा महसूस करता है, उसके behavior पे कैसा changes आता है, इस चीज के बारे में हमें बताता है। The story is about the author's personal experience of learning to swim as a child. ये story author के अपने personal experience के बारे में है। जब वो छोटा था, जब वो बच्चा था, तब वो तैरने गया था, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में ये कहानी बताते हैं। Douglas describes how he had a deep fear of water which stemmed from a traumatic experience of nearly drowning in a lake. Douglas describe karte hai ki use kis tarike se ek deep water ka fear aaya aur jo fear kis tarike se stem hua tha, stem means originate hua tha from traumatic experience. Traumatic means ek tarike se shocking experience. Jab wo chota tha, chota bachcha tha, to us samay Douglas almost duba tha, drowning hua tha in a lake. Ek lake mein almost duba tha, drown hua tha. To wahan se डगलस को एक डीप वाटर का एक फियर आया था। डिस्पाइट हिज फियर डगलस वाज डिटरमाइंड टू ओवरकम इट एंड लर्न हाउ टू स्विम। डगलस के अंदर एक फियर होने के बावजूद भी फाइनली उसने ठान लिया कि अपने डर के ऊपर वो जीत हासिल करेंगे और वो तैरना सीखते हैं। He started taking swimming lessons but found that his fear of water made him panic and lose control. वह स्विमिंग लेसन लेना शुरू करते हैं, लेकिन वो पाते हैं अपने आप को कि एक पानी का जो डर की वजह से वो अपने आप को पैनिक महसूस करते थे और अपने आप को एक लूज कंट्रोल, अपने अंदर एक कंट्रोल ना होने जैसा महसूस करते थे जब वो स्विमिंग लेसन लेना शुरू करते हैं। He struggled to stay afloat and often ended up sinking to the bottom of the pool. वह बहुत संघर्ष करते हैं तैरने के लिए, लेकिन बार बार वो पूल के बीच में जाकर डूब जाते थे। As the story progresses, Douglas began to realize that his fear of water was not just about drowning, but also about the fear of failure and humiliation. जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ते हैं, डगलस रियलाइज करना शुरू करते हैं कि जो ये वाटर का फियर था डगलस के मन में, ये बस डूबने को लेकर नहीं था, बल्कि ये तो एक फेल्योर और ह्यूमिलिएशन का एक फियर था। Humiliation means apman. He had internalized the belief that he was not good enough and that he would never be able to conquer his fear. वह अपने अंदर एक बिलीफ को रख लिया था कि वो उतना अच्छा नहीं है, और यही चीज़ और यही बिलीफ उसे अपने फियर के ऊपर कंकोर करना या जीत हासिल करने नहीं दे रहा था। Eventually, Douglas learns to swim by facing his fear head on and pushing himself to overcome it. अंततः डगलस तैरना सीख जाते हैं, डर को फेस करते हुए, सामना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और अपने आप को पुश करते हैं डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए। He realizes that his fear was holding him back from experiencing the joy of swimming and that he needed to confront it in order to move forward. वह रियलाइज करते हैं कि डगलस का फियर उसे रोक रहा था एक स्विमिंग का जो ही, स्विमिंग में जो मजा जो आता है, आनंद जो आता है, उस चीज का एक्सपीरियंस करने से रुक रहा था, और उसे लगा अपने फियर को चैलेंज करना चाहिए अगर उसको आगे बढ़ना है तो। ओवरऑल द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज दैट फियर एंड इनसिक्योरिटी कैन बी पावरफुल फोर्सेस दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड द लॉस ऑफ वन्स ट्रू सेल्फ। अंततः ये कहानी के जो सेंट्रल आइडिया है, इसमें फियर और इनसिक्योरिटी दो एक ऐसे पावरफुल फोर्सेस है जिसके द्वारा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्रिएट हो सकता है और किसी का अपने आप को खोने का कारण बन सकता है। However, by facing our fears and pushing ourselves out of our comfort zones, we can overcome these barriers and discover our true potential. हालांकि जब हम अपने फियर को फेस करते हैं और अपने आप को एक कम्फर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे पुश करते हैं हम अपने आप को, सो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को, जब हम एक बैरियर जो बनते हैं हमारे आगे, उस बैरियर को हम जब ओवरकम करते हैं, उसके ऊपर जब हम जीत हासिल कर लेते हैं, तब हम जाकर हम हमारे अंदर की जो एक ट्रू वैल्यू होता है, एक ट्रू पोटेंशियल होता है, उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, एक लाइक जरूर दीजिए, इसे मोटिवेशन मिलता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।